हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और जैसा कि हम लोग गेट एक्सेल जियोलॉजी का सीरीज स्टार्ट किया था और इसमें हम लोगों ने जेनेटिक्स के टॉपिक को कवर कर रहे थे, तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने 1 to 4 वीडियोस बना दिया जिसका लिंक यहाँ पर आई सिंबल ऑफ दिस वीडियो में आ रहा होगा या इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, तो वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो आज का ये सेशन नंबर 5 होगा या वीडियो नंबर 5 होगा, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे लिंकेज, अनदर टॉपिक ऑफ जेनेटिक्स दैट इज़ कॉल्ड लिंकेज। तो लिंकेज क्या है इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पर लिंकेज का मतलब ही क्या है, लिंकेज का मतलब होता है लिंक्ड, इट इज़ अबाउट लिंक्ड जीन, टू लिंक्ड जीन। तो ये एटलीस्ट लिंकेज उन ऑर्गेनिज्म में या उस जगह पर देखा जाएगा जहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ जीन 2 हो, तो इट ऑलवेज अकर बिटवीन 2 और मोर देन 2 जीन, कम से कम 2 होने चाहिए या 2 से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे और ये जीन प्रेजेंट कहाँ होंगे, ये तो क्रोमोसोम के ऊपर होता है, हम लोग ने डिस्कस किया हुआ है। जैसे ये जीन ए है और दूसरा इसके बगल में जीन बी है और इसके बी हो सकता है ये सी हो, 3 जीन हो, तो इनके बीच में आपस में लिंकेज हो, इसके बीच में दोनों के बीच में लिंकेज, अगर ये क्लोजनेस हो जाए तो इसको बोलते हैं लिंक्ड जीन। ये ए और बी के बीच में भी हो सकता है, बी और सी के बीच में हो सकता है और ए और सी के बीच में भी हो सकता है, तो ये तीनों जीन आपस में लिंक्ड हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम लिंकेज का रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पर कम से कम 2 जीन तो होने चाहिए। तो ये हमेशा डाईहाइब्रिड क्रॉस में देखा जाएगा, मिनिमम, मोनोहाइब्रिड में कभी भी लिंकेज नहीं होगा, तो नेवर अकर्ड इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि मोनोहाइब्रिड में हम लोग सिर्फ सिंगल जीन की स्टडी करते हैं। तो ये डाईहाइब्रिड या इसके अलावा ट्राईहाइब्रिड, टेट्राहाइब्रिड, इसमें देखा जाएगा। अच्छा, अब आते हैं कि लिंकेज का मतलब क्या होता है। लिंकेज का मतलब ये होता है कि जब भी क्रॉसिंग ओवर हो तो ये एज इट इज़ नेक्स्ट जनरेशन में साथ में जाए, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर ना हो, क्योंकि ये बहुत क्लोजली एसोसिएटेड होता है। तो ये एक फेनोमेनन है, इट इज़ ए फेनोमेनन बाय विच टू क्लोजली एसोसिएटेड जीन विल मूव एज इट इज टू नेक्स्ट जनरेशन इन स्पाइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर होने के बाद भी ये दोनों जीन नेक्स्ट जनरेशन में एज इट इज़ चले जाएं विदाउट एनी चेंज, तो इसको बोलते हैं लिंकेज। तो लिंकेज हमेशा, लिंकेज होने के लिए एक प्रॉपर्टी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि ये डिस्टेंस बिटवीन जीन कितना है, ये रिलेशनशिप दोनों का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स, जितना ज़्यादा क्लोज होंगे वो, उनके बीच में लिंकेज उतना स्ट्रांग होगा, तो ये वैल्यू उतना ज़्यादा इंक्रीज करेगा, लिंकेज उतना ज़्यादा इंक्रीज करेगा जब डिस्टेंस बिटवीन जीन उतना डिक्रीज करे, यानी ये बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाए, क्लोजनेस इंक्रीज कर जाए, तो इनका इन्वर्सली रिलेशनशिप है डिस्टेंस बिटवीन जीन एंड लिंकेज का। अब यहाँ पर जैसे अगर मैं ये बात करूँ कि एक क्रोमोसोम के ऊपर में ये 2 आर्म है, एक जीन यहाँ पर है ए और एक जीन यहाँ पर है बी, तो ये चांसेस हैं कि जब क्रॉसिंग ओवर हो, आपको मालूम है क्रॉसिंग ओवर में होमोलोगस क्रोमोसोम में होता है, ये सब पढ़ना है आप लोगों को मियोसिस में। तो सपोज़ यहाँ पर ये स्मॉल ए है और स्मॉल बी है, अच्छा हर एक क्रोमोसोम के 2 आर्म होंगे, जब एस फेज सेल साइकिल में एस फेज में जाता है तो इनके बीच में 2 आर्म बन जाते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम बट डीएनए कंटेंट विल इंक्रीज, तो ये भी आइडेंटिकल कॉपी बना, तो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, इसी तरीके से ऊपर की तरफ में भी यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आर्म होगा एस फेज ऑफ सेल साइकिल में, और इसके ऊपर भी क्या आएगा आइडेंटिकल ए, तो ये एक टाइप का पेरेंट है। सपोज पी वन है जिस पर ए और बी है, और ये पी टू है जिस पर स्मॉल ए और स्मॉल बी है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन जिसको एलील बोलते हैं, तो कैपिटल ए एक एलील है और दूसरा स्मॉल ए एक दूसरा फॉर्म ऑफ एलील है, लेकिन ये एक ही जीन के 2 अल्टरनेट फॉर्म है। अब अगर क्रॉसिंग ओवर हो
फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो गया इनके बीच में, इस वाले ये स्ट्रैंड S1 मान लूँ, ये स्ट्रैंड S2 मान लूँ, S3 मान लूँ और S4 मान लूँ, तो किसके बीच में क्रॉसिंग ओवर आया? S2 और S3 के बीच में। तो यहाँ पर जब क्रॉसिंग ओवर होगा और जब गैमेट बनेगा, तो ये जब गैमेट बनकर अलग होंगे तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऊपर वाले में कोई ये नहीं हो रहा है क्रॉसिंग ओवर, तो इससे आउटकम क्या होगा? एक पैरेंटल स्ट्रैंड जो होंगे वो एज इट इज़ सेपरेट हो जाएंगे ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। तो ये एज इट इज़ होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन नीचे वाले में इस तरफ में देखिए, यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे बताऊँ कि ये वाला पोर्शन ऐसे चलेगा और उसके बाद जहाँ क्रॉसिंग होगा वो ट्रैक चेंज करके इधर से इधर आ जाएगा, तो ये वाला बाकी पोर्शन इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर तो स्मॉल बी है, ये तो स्मॉल बी है, तो ये एक अलग बना। उसी तरीके से दूसरा वाला इधर वैसा रहेगा, ये वाला पोर्शन, और ये वाला पोर्शन वैसा का वैसा, और यहाँ से क्रॉसिंग होकर ऊपर ट्रैक चेंज करेगा और ये वाला पोर्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर ग्रीन का पोर्शन मैं लिख दूंगा, ये वाला ग्रीन का पोर्शन आ गया। तो इस तरफ में आ गया कैपिटल बी और इस तरफ में रहेगा स्मॉल ए, और लास्ट वाले में कोई भी चेंजेस नहीं है, तो ये पैरेंटल स्ट्रैंड ऐसे रहेंगे एज इट इज़ रहेंगे ए और बी। तो जब गैमेट बना तो यहाँ पे चार गैमेट बना, और एक होगा पैरेंटल P1 टाइप, एक पैरेंटल P2 टाइप, ये पैरेंटल टाइप है, स्मॉल ए स्मॉल बी और कैपिटल ए कैपिटल बी पैरेंटल टाइप थे। ऊपर में देखिए ये दोनों पैरेंटल टाइप है, तो उसी की रिप्रेजेंटेशन, बट ये दोनों फॉर्म अलग बने डिफरेंट, इसको बोलते हैं रिकम्बिनेंट। तो रिकम्बिनेंट कैसे बना? क्रॉसिंग ओवर की वजह से, ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। तो हमेशा रिकम्बिनेंट क्रॉसिंग ओवर का आउटकम होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं R1 और R2। तो यहाँ पर रिकम्बिनेंट के परसेंटेज कितने हैं? 50%। और पैरेंटल कितने हैं? ये दोनों पैरेंटल है, तो ये है 50%। यानी रिकम्बिनेंट और पैरेंटल दोनों 50-50% बने। तो ये कब होगा पॉसिबल? कब 50% रिकम्बिनेंट और कब 50% पैरेंटल बनता है? जब इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट होता है, और इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, नहीं तो उसको जाकर देखिए। ये हमेशा डाईहाइब्रिड क्रॉस में होता है, जब जीन एक दूसरे से कम्प्लीटली अनरिलेटेड है, एक दूसरे के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डाल रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा क्रोमोसोम के ऊपर डिस्टेंटली अपार्ट हों, उनके बीच में नो लिंकेज हो, तो ये तब पॉसिबल है जब लिंकेज एब्सेंट हो, कोई भी लिंकेज ना हो, लिंकेज एब्सेंट। तो लिंकेज जब जीरो होगा तो इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट होगा, जिसमें 50-50% बनेंगे। अब अगर लिंकेज हो जाए तो ये कैसा चेंज हो जाएगा, देख लेते हैं। सपोज़ यही, अब मैं क्रोमोसोम को लिंकेज में बता रहा हूँ, तो ये सपोज़ पैरेंटल P1 है और इनके दोनों आर्म हैं S फेस के। अब इनमें दोनों में जीन लगा देता हूँ, A और B, A और A। लेकिन इस बार दूसरा जीन मैं डिस्टेंस पे नहीं रखूँगा, एकदम क्लोजली लगा दूँगा, क्योंकि लिंकेज हमेशा क्लोजली रिलेटेड में होगा, तो इसको दोनों क्लोज कर दिया। पहले क्या थे देख लेते हैं, दोनों देखिए डिस्टेंस पर है, यहाँ है और यहाँ, ये डिस्टेंस पर है, लेकिन अब बहुत क्लोजली हो गया। तो ये एक पैरेंटल P1 हो गया, दूसरा पैरेंटल यहाँ पे मैं P2 बनाऊंगा, ये पैरेंटल P2 बन गया, और यहाँ पर स्मॉल a और स्मॉल b, और ये भी क्लोजली बी। अब अगर इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होता तो क्रॉसिंग ओवर तो यहाँ और था, क्रॉसिंग ओवर होने के बाद भी कोई चेंजेस नहीं होगा, देख सकते हैं। क्रॉसिंग ओवर अगर हो भी जाता है तो कोई चेंजेस थोड़े होगा, ये वाला कोई चेंजेस नहीं होगा। यहाँ पर तो पहला वाला पैरेंटल P1 ही रहेगा, दूसरा वाला अगर स्ट्रैंड चेंज भी हो जाता है, दूसरा स्ट्रैंड अगर चेंज भी हो जाता है तब भी वो वैसा का वैसा ही रहेगा, क्योंकि वहाँ पर जीन तो यहाँ पर लोकेटेड है, तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है। ऑल दो आर्म चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जीन क्योंकि क्लोजली एसोसिएटेड और एक ही तरफ है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, तो ये भी P1 की तरह दिखेगा। दूसरा जीन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो वो बिल्कुल वैसे का वैसा पैरेंटल टाइप ही देखेगा, और इस तरफ भी चेंजेस होंगे,
लेकिन यहाँ पर भी क्रॉसिंग ओवर तो हुआ, लेकिन जीन इतना क्लोजली रिलेटेड है कि ये पेरेंटल P2 की तरफ बिहेव कर रहा है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट वन, दिस विल ये, तो यहाँ पर कोई चेंजेस आपको नहीं दिख रहा है, बस P1 P2 100% यही दोनों है। तो यहाँ पर रिकम्बिनेंट का नंबर हो गया 0। रिकम्बिनेंट का मतलब डिफरेंट फ्रॉम इट्स पेरेंट, उसका हो गया 0। यहाँ कोई रिकम्बिनेंट नहीं बना, यहाँ तो सारे पेरेंटल बन गए और पेरेंटल के परसेंटेज हो गए 100%। तो इस तरह के फॉर्म को बोलते हैं कंप्लीट लिंकेज। तो कंप्लीट लिंकेज में रिकम्बिनेंट के परसेंटेज 0 होंगे और पेरेंटल के परसेंटेज 100% होंगे। और ये किन में देखा जाएगा, जो टू जीन्स आर वेरी क्लोजली रिलेटेड, टू जीन्स आर क्लोजली लोकेटेड, वेरी क्लोजली रिलेटेड या लोकेटेड, तो इसको बोलते हैं कंप्लीट लिंकेज। तो एक एक्सट्रीम फॉर्म देखना है, एक फॉर्म देखना है इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, जब जीन बहुत डिस्टेंस पर है तब क्या होगा, तब ये होगा। और एक कंडीशन ये होगा जब लिंकेज होगा, जब टू जीन बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है तब लिंकेज होगा, उसमें कंडीशन ये वाला होगा। अब आ रहे हैं कि थर्ड टाइप जो होता है वो इन दोनों के बीच का होता है, जहाँ से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं, थर्ड टाइप उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज। यानी ना ही ये कंप्लीट लिंकेज है, ना ही ये रिकम्बिनेंट 100% इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट हो रहा है, ये इन दोनों के बीच का है। तो इसमें कैसे होगा कि जीन ना ही दो एक्सट्रीम डिस्टेंस पर है, ना ही बहुत क्लोजली है, वो सम वॉट डिस्टेंस पर है। सपोज ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, अगर ये पूरा का पूरा डिस्टेंस पर होता, जैसे ए और बी यहाँ यहाँ, तो ये होता है इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, और अगर ए और बी यहाँ क्लोजली हो जाता तो ये हो जाता लिंकेज। लेकिन अब मैं इन दोनों के बीच में डिस्टेंस थोड़ा सा रखा, सम डिस्टेंस इज प्रेजेंट, तो इस केस में क्या होगा कि हो सकता है दो तीन बार ट्राई करें, तो एक क्रॉसिंग ओवर दो तीन बार हो तो एक बार रिकम्बिनेंट का फॉर्मेशन करने के चांसेस हो जाए। तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पर पेरेंटल के नंबर या परसेंटेज बात करें तो ये लेस देन 100% होगा, क्योंकि अगर इक्वल टू 100% हो जाता तब तो वो कंप्लीट लिंकेज होता, और 50% हो जाता तो वो इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट हो जाता। तो इनमें जनरली इनका रेंज क्या होता है, लेस देन 100% बट ग्रेटर देन 50%। जैसे इनका परसेंटेज हो गया 60%, तो ये हो गया इनकम्प्लीट लिंकेज, क्योंकि 50% से क्या है, ये वैल्यू ग्रेटर है, और लेस देन कितना है 100% से, तो ये हो गया इनकम्प्लीट लिंकेज। होप सो समझ रहे हैं। इसी तरीके से अगर रिकम्बिनेंट की बात करें तो रिकम्बिनेंट अगर 100% इनका हो जाता, सॉरी 50% हो जाता, रिकम्बिनेंट 50% होता तो इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट होता, और 0% होगा तो कम्प्लीट लिंकेज होगा। तो इन बिटवीन इनके होगा तो उनका रेंज क्या होगा, लेस देन 50% बट ग्रेटर देन 0%, 0% से ग्रेटर हो। जैसे यहाँ पर 40% हो जाए, 60% पेरेंटल और 40%, तो 40% यानी लेस देन 50% है और ग्रेटर देन 0% है, यानी ये हो गया इनकम्प्लीट लिंकेज। होप सो ये समझा। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पर इनकम होता है, हमारे किसी भी ऑर्गेनिज्म में इनकम्प्लीट लिंकेज मोस्ट कॉमनली होते हैं, क्योंकि कम्प्लीट लिंकेज हार्डली पॉसिबल है और इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट भी हार्डली पॉसिबल है। मोस्टली मोस्ट कॉमन फिनोमेनन क्या है, इनकम्प्लीट लिंकेज। अच्छा, इनकम्प्लीट लिंकेज सबसे पहले लिंकेज को स्टडी किया था, लिंकेज वॉज स्टडीड बाय थॉमस हंट मॉर्गन, ये इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी बोलते हैं, ये पहले भी बताया हुआ है। और इन्होंने किसके ऊपर किया एक्सपेरिमेंट, ड्रोसोफिला के ऊपर, जिसको हम लोग फ्रूट फ्लाई भी बोलते हैं। तो इसके दो एग्जाम्पल पढ़ने हैं जो इसके ऊपर लिंकेज फाइंड आउट हुआ। अभी तो लिंकेज को मैंने जनरली डिस्कस किया, अब इसके स्पेसिफिक एग्जाम्पल जो ड्रोसोफिला के ऊपर लिंकेज डिस्कवर हुआ था उसको समझ रहे हैं।
लिंकेज ड्रोसोफिला में जो हुआ वो फर्स्ट स्टडी हुआ टाइप वन, मतलब पहला जो लिंकेज का स्टडी हुआ उसमें आई कलर को स्टडी किया गया। आई कलर तो नॉर्मल होता है रेड कलर और रिसेसिव होता है वाइट कलर, तो रेड इज़ डोमिनेंट ओवर वाइट। और ये तो एक जीन हो गया, दूसरा जीन होगा क्योंकि मिनिमम दो जीन चाहिए, तो दूसरा होगा बॉडी कलर। बॉडी कलर में जो ब्राउन बॉडी कलर है वो डोमिनेंट है किसके ऊपर, येल्लो के ऊपर। तो ये वाला पोर्शन है रिसेसिव फॉर्म और ये वाला फॉर्म जो है वो है डोमिनेंट फॉर्म। तो अब सवाल ये उठता है कि लिंकेज फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो एक पेरेंटल आपको लेना है प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट दोनों जीन के लिए। तो अब देखिए ये दोनों जीन कहाँ प्रेजेंट है, एक्स क्रोमोसोम पे, और एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है क्लोजली, तो हो सकता है इनमें लिंकेज हो। दो डिफरेंट क्रोमोसोम पर अगर कोई जीन प्रेजेंट है तो उनमें कभी भी लिंकेज नहीं होगा। जैसे टॉलनेस ऑफ पी प्लांट क्रोमोसोम नंबर 4 पर है और उसको अगर हम लोग कंपैरिजन कर दें किसी सीड कलर से जो क्रोमोसोम नंबर 7 पर हो या 1 पर हो, तब वो क्या होगा, तब उनमें कभी भी लिंकेज नहीं होगा, वो हमेशा इंडिपेंडेंट शॉर्टमेंट शो करेगा क्योंकि वो बहुत ही डिस्टेंस पर है, दो डिफरेंट क्रोमोसोम पर है। जनरली क्रोमोसोम लिंकेज सेम क्रोमोसोम पर क्लोजली एसोसिएटेड जीन में देखा जाता है। तो ये दोनों जीन सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, एक्स क्रोमोसोम पर। तो यहाँ पर पेरेंटल P1 ले रहे हैं और P1 में मैं ले रहा हूँ मेल क्योंकि मेल और फीमेल रहते हैं, और P2 यहाँ पर रहेंगे फीमेल। तो इसमें मैंने लिया रेड आई कलर एक डोमिनेटिंग फॉर्म, प्लस दूसरा लूंगा मैं ब्राउन बॉडी कलर और उसको क्रॉस करा दिया। यहाँ पे P2 मैंने लिया इसका रिसेसिव फॉर्म, रेड का रिसेसिव हो जाएगा वाइट आई कलर, और दूसरा मैं लूंगा यहाँ पर येल्लो बॉडी कलर। अब इसको जीनोटाइप से मैं रिप्रेजेंट करूं तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं कैपिटल R से रेड आई को, और ब्राउन बॉडी को कैपिटल B से। तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं स्मॉल R से और स्मॉल P से, ठीक है। तो ये वाला हो गया स्मॉल R और स्मॉल P, और ये हो गए कैपिटल R और इस कैपिटल बी। अब इनसे गैमिट बनेगा, आर बी गैमिट बना, इधर से गैमिट बनेगा स्मॉल r स्मॉल b, इन दोनों का क्रॉसिंग होगा तो F1 जनरेशन आएगा कैपिटल R कैपिटल B और स्मॉल इसके साथ में R और B, ये हेटरोजाइगस, ये F1 जनरेशन आ गया। तो इसका कैरेक्टर क्या होगा, फिनोटाइप, तो ये तो रेड आई होंगे प्लस ब्राउन बॉडी, क्योंकि रेड आई और ब्राउन बॉडी वाइट आई और येलो बॉडी पर डोमिनेटिंग है, तो ये हेटरोजाइगस ये डोमिनेटिंग कैरेक्टर शो करेगा। अब यहाँ पर लिंकेज फाइंड आउट करने के लिए हम लोग टेस्ट क्रॉस करते हैं। हमेशा याद रखना है लिंकेज को फाइंड आउट करने के लिए वी नीड टू डू टेस्ट क्रॉस, और टेस्ट क्रॉस में क्या करते हैं कि F1 जनरेशन को हम लोग रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हैं, रिसेसिव पेरेंट से। तो ये F1 जनरेशन है, इसका रिसेसिव फॉर्म क्या होगा, स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल b स्मॉल b। तो इसको क्रॉसिंग करेंगे, हम सबसे पहले इसका गैमिट बना ले, तो इसका गैमिट में अब एक ही कलर से लिख रहा हूँ मैं, कैपिटल R कैपिटल B एक गैमिट होगा, कैपिटल R स्मॉल b स्मॉल r स्मॉल b। गैमिट कैसे बनता है ये फर्स्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ था, फर्स्ट वीडियो में आप देखिए अगर गैमिट नहीं बनाने आ रहा है तो। और इससे गैमिट क्या आएगा, सिर्फ एक टाइप का स्मॉल r स्मॉल b। तो अब यहाँ पर जब क्रॉसिंग करेंगे हम लोग तो F2 जनरेशन में क्या क्या आएगा, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल R स्मॉल r स्मॉल b स्मॉल b, स्मॉल r स्मॉल r कैपिटल B स्मॉल b स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल b स्मॉल b। और अगर अब इसका जीनोटाइप लिखें तो ये क्या है, ये हो गया रेड आई प्लस ब्राउन बॉडी, ये क्या हो गया
रेड आई प्लस येलो बॉडी, ये क्या हो गया व्हाइट आई प्लस ब्राउन बॉडी, व्हाइट आई प्लस यहाँ पर येलो बॉडी, चार बजे नोट है। अब देखिए अगर यहाँ पर अब इसके नंबर कुछ होंगे, ये F2 जनरेशन है तो यहाँ पर आप इन प्रोजेनिस का कुछ नंबर होगा, F2 जनरेशन में इनके फर्टाइल एग आएंगे और उससे नेक्स्ट जनरेशन आएगा, तो आप सबको एनालिसिस करना। सपोज 10,000 प्रोजेनी को मैंने एनालिसिस किया, टोटल 1,000 प्रोजेनी को, तो 1,000 प्रोजेनी में से आपको देखना है कि ये वाले जो, ये वाला क्या है पेरेंटल P1 और ये क्या है पेरेंटल P2। कैसे कह रहे हैं देखिए यहाँ पर क्या है, पेरेंटल P1 क्या है रेड आई और ब्राउन बॉडी, और P2 है वाइट आई और येलो बॉडी, तो यही पेरेंटल P1 और P2 हो गए। रेड आई और येलो बॉडी ये रिकम्बिनेंट हो गया, ये पहले नहीं था, ये अब फॉर्म किया है, और वाइट आई ब्राउन बॉडी ये भी रिकम्बिनेंट है, तो R2 ये हो गया। तो अब इनके नंबर कितने आए F2 जनरेशन में, इससे पता चलेगा ये लिंकेज है या फिर इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट है, या लिंकेज में भी इनकम्प्लीट है या कम्प्लीट लिंकेज है। सपोज यहाँ पर इनके नंबर आए 490 और इसके नंबर आए पेरेंटल P2 के 497, तो कितने बज गए, ये 490 या 497, यानी यहाँ से 3 और यहाँ से 10 13, तो यहाँ पर 13 को मैं इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ कि ये बचने 7 और ये बने ये 6। तो अब ये अगर मैं, अब मुझे फाइंड आउट करना है कि इसके परसेंटेज रिकम्बिनेशन कितने हैं, तो परसेंटेज रिकम्बिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट प्रोजेनी, जिसमें हम लोग R1 प्लस R2 दोनों को लेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी, जिसमें R1, R2, P1 और P2 सब होंगे। तो ये वाला नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट प्रोजेनी कितना है, 7 एंड 6, यही तो है R1 एंड R2 का नंबर, तो ये हो गया 7 प्लस 6 और डिवाइड कर देंगे इसको टोटल से, तो ये टोटल कितना हो गया 490 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 497, जिसकी वैल्यू 1000, तो ये हो गया 13 डिवाइड बाय 1000। अब परसेंटेज है तो इसको हम लोग परसेंटेज 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी ये वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे इनटू 100%, तो ये वैल्यू कितना आएगा 1.3%। तो यहाँ पर रिकम्बिनेंट के नंबर 1.3% आ गए, तो जाहिर सी बात है पेरेंटल कितने हो गए 100% माइनस 1.3%, रिकम्बिनेंट को माइनस कर देंगे टोटल में से, तो वो आ जाएगा 98.7%। तो इसका मतलब है कि ये क्या है, कंप्लीट लिंकेज या इंडिपेंडेंट शॉर्टमेंट है या इनकम्प्लीट लिंकेज है, तो ये सिंपल है इसका आंसर कि ये तो इनकम्प्लीट लिंकेज है, क्योंकि रिकम्बिनेंट के नंबर लेस देन 50% है और ग्रेटर देन 0 है, और पेरेंटल के परसेंटेज लेस देन 100% है बट ग्रेटर देन 50% है, तो ये कंडीशन अगर फॉलो कर रहा है तो ये इनकम्प्लीट लिंकेज है, ये इनकम्प्लीट लिंकेज है। होप सो ये क्लियर है। अब ये अगर समझ में आ गया तो यहाँ पर हम लोगों को लिंकेज में यही समझना था कि हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसका हम लोग रिकम्बिनेंट का रिप्रेजेंट करने का एक यूनिट है सेंटी मॉर्गन, कौन सी कैपिटल M, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटी मॉर्गन, ऑनर में मॉर्गन का, क्योंकि इन्होंने डिस्कवर किया था, या फिर इसको हम लोग मैप यूनिट भी बोलते हैं, मैप यूनिट, या इसको हम लोग परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तरीका है परसेंटेज रिकम्बिनेंट फाइंड आउट करने का। तो एग्जाम में क्या पूछेगा, ये परसेंटेज रिकम्बिनेंट, वो जनरली आपको एक टेबल दे देंगे जिसमें पेरेंटल का नंबर सबसे ज़्यादा होगा, वो बहुत इजी आइडेंटिफाई करना, क्योंकि लिंकेज के अगर स्टडी कर रहे हैं और ये बोला जा रहा है कि
पेरेंटल पी वन है पी टू को क्रॉस कराया, एफ वन आया एफ वन को टेस्ट क्रॉस करा दिया, यानी वो लिंकेज की बात कर रहे हैं, टेस्ट क्रॉस लिंकेज के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर एफ टू में पेरेंटल ये कुछ प्रोजेनी के नंबर दिए, तो हमेशा मैक्सिमम नंबर किसका होगा पेरेंटल का, और मिनिमम नंबर किसका होता है रिकम्बिनेंट का। तो परसेंटेज रिकम्बिनेंट फाइंड आउट करने के लिए देते हैं, तो ये फार्मूला यूज़ करके आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा जो एग्जाम्पल यहाँ पर मॉर्गन ने पढ़ा था, ऑल दो उसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सीधा मैं परसेंटेज लिखकर ख़त्म करूँगा क्लास को, कि यहाँ सेकेंड जो क्रॉसिंग था उसमें उन्होंने पहला कैरेक्टर जो यूज़ किया फर्स्ट कैरेक्टर को वो था आई कलर ही, जो रेड और वाइट, और दूसरा कैरेक्टर यहाँ पर बॉडी को नहीं लेकर इन्होंने ले लिया विंग शेप को, और उसमें लिया नॉर्मल और वेस्टिजियल, यानी नॉर्मल वाला डोमिनेंट है और वेस्टिजियल छोटा वाला रिसेसिव है। तो इनमें जब क्रॉसिंग कराया तो यहाँ पर रिकम्बिनेंट के परसेंटेज बने, यहाँ पर रिकम्बिनेंट के परसेंटेज बने 37.2%। तो पेरेंटल कितना होगा 100 माइनस 37.2 68.2। तो ये भी एग्जांपल किसका है इनकम्प्लीट लिंकेज का। बस लिंकेज में इतना ही समझना है, तो आज के सेशन में बस यहीं तक रखेंगे, जिसमें लिंकेज हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया, जिसमें मैंने इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज को कैसे फाइंड आउट करेंगे ये बताया। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आज के सेशन में यहीं तक, नेक्स्ट सेशन में आगे इसके बात करेंगे। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।